अनभाग्य के दिसंबर मंथ की पेमेंट की अपडेट फाइनली आ चुकी है। कई सारे लोग मुझे यही पूछ रहे थे कि दिसंबर मंथ के अनभाग्य के पैसे नहीं आए हैं अब तक, क्या करना है, कैसे करना है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, कैसे चेक करें स्टेटस वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर दिसंबर मंथ की पेमेंट फाइनली रिलीज हो चुकी है। अब जिस किसी का भी वेट था अन्नभाग्य के पैसे कब आएंगे क्या नहीं, अब आपका वेट ओवर हो चुका है। जनवरी की 10 तारीख से ही सभी लोगों के अन्नभाग्य के पैसे आना स्टार्ट हो चुके थे। अभी इसमें भी अगर आप लोग डेट देखेंगे तो जनवरी की 12 तारीख को ही अन्नभाग्य के दिसंबर मंथ के पैसे आ गए हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बैंक भी दिखा रहा है मेरा कौन सा है, डेट ऑफ क्रेडिट भी बता रहा है कि 12 जनवरी को ये पैसे आए हैं, और साथ में अमाउंट भी बता रहा है कि कितना आए हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लेना। चेक करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है, सिंपल है, बताता हूँ। स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो, वहाँ पर ahar.kar.nic.in सर्च कर लो। उसमें सबसे पहला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर लो। यहाँ पर सिंपली ये इस तरीके का आएगा, कट कर दो इसको। कट करने के बाद यहाँ राइट साइड टॉप कॉर्नर में तीन डॉट दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ई सेवे गड़ू बोल के जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को लेफ्ट साइड में तीन डॉट दिख रहे हैं, फिर से इसके ऊपर अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर ई स्थिति का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें भी थर्ड नंबर का ऑप्शन है DBT स्थिति, उसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तीन लिंक आए हैं, आपकी सिटी मतलब कि आपकी डिस्ट्रिक्ट किस लिंक के नीचे है वो देख लेना। मेरी जो कलबुर्गी है वो सेंटर में आती है, तो मैं सेंटर की लिंक पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आएगा, आपको नीचे लास्ट में स्टेटस ऑफ DBT का ऑप्शन दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक कर लेना। तो देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल्स भरने का ऑप्शन आया है। सबसे पहले आप लोगों को ईयर तो सेलेक्टेड रहेगा, क्योंकि हम दिसंबर का सेलेक्ट कर रहे हैं 2023 का। तो नीचे मंथ आपको सेलेक्ट करना है दिसंबर। दिसंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको RC नंबर डालना है, रेशन कार्ड का नंबर। उसके बाद नीचे कैप्चा जैसा है वैसा इंटर कर देना है। इंटर कर गो पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पे क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने आपका स्टेटस बता देगा। अब जिस किसी के भी पैसे आ चुके हैं ऑलरेडी, उन लोगों को बैंक से मैसेज भी आ रहा है, तो ये स्टेटस भी चेक करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको बैंक से मैसेज नहीं आया है तभी ये वाला स्टेटस चेक करना, तब आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। और जिस किसी के भी पैसे रुके थे तो वो लोग भी ऐसा इस तरीके का स्टेटस चेक कर सकते हैं। चेक करने के टाइम पे नीचे आप लोगों को बताएगा कि आपका दिक्कत क्या है, पैसे अगर नहीं आ रहे हैं तो आपका इशू क्या है वो भी दिखाएगा, तो उस इशू को आप लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। सारे इशू क्या क्या हैं, क्या क्या रिजॉल्व कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखा है, वो आप देखकर सॉल्व कर सकते हैं। कई सारे लोगों ने सॉल्व भी कर लिया है, उन लोगों को अब रेगुलरली पैसे आ रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ गई होगी। अभी भी कुछ डाउट अगर आपके दिमाग में है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर आप लोगों को दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।